लाइफ टाइम्स टीवी पर देखिए करियर गाइडेंस टॉक शो, उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल करियर की ओर कैसे बढ़ाएं कदम, जानिए आज शाम 8 बजे केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। मेंटोर कोच और शिक्षाविद गुलशन वर्मा का लाइव टॉक शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए संपूर्ण स्वच्छता अभियान की पोल खोलते नगर पंचायत ज्वाली को डंपिंग साइट न मिलने से कहरिया चौक लव एसडीएम रेजिडेंस के बाहर जगह जगह लगे गंदगी व कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जो कि बीमारियों को न्योता देते नजर आ रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से आज तक नगर पंचायत ज्वाली को डंपिंग साइट नहीं मिली। जिस जगह पर नगर पंचायत ज्वाली पहले कूड़ा फेंकते थे वह जगह वन विभाग की थी। पिछले 1 महीने से उस जगह को वन विभाग ने तारबंदी करके बंद कर दिया है। तब से लेकर नगर पंचायत को कूड़ा फेंकने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली है और जगह जगह लगे कूड़ादान भर गए हैं और अब गंदगी और कूड़े के ढेर सड़क के किनारे लगे हैं। इस संबंध में एसडीएम ज्वाली सलीम आजम ने बताया कि शीघ्र ही डंपिंग साइट के लिए जगह का चयन किया जाएगा और आगामी दिनों में नगर पंचायत ज्वाली में जगह जगह लगे कूड़े व गंदगी के ढेरों को उठा लिया जाएगा। चेयरमैन बने हुए कोई 6 मंथ हो चुके हैं, लेकिन पहले जो पहले चेयरमैन बने थी उन्होंने उनके 3.5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई डंपिंग साइट ढंग से नहीं बनाई है। जो अब हम ऐसा हमारे इस नज़रिए में आ रहा तो हम ये देख रहे हैं कि डंपिंग साइट कोई अभी चूज़ नहीं हुई, अभी डिसाइड कर रहे हैं। जो जब तक मिल नहीं जाती तब तक हम कोशिश कर रहे हैं इसको ढूंढने। जब तक डंपिंग साइट का अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक ये डंपिंग जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसके बाद जब डिसाइड हो जाएगा, मिल जाएगी डंपिंग साइट, उसके बाद हम सारे कूड़े को उठा लेंगे और डंपिंग साइट में डाल देंगे उसको। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ज्वाली से अनिल छांगू की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।